जायजा लेंगे डेनिम में बदलते ट्रेंड्स का। पलेडियम में हर महीने लगता है वर्ल्ड फूड फ्राइडे, और जैसे कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ, आज भी एक फ्राइडे है, तो महीने के किसी एक फ्राइडे ये वर्ल्ड फूड फ्राइडे लगता है। और हर महीने के फ्राइडे में यहाँ पे कोई ना कोई थीम होती है, जैसे कि आज यहाँ पर थीम है कप केक्स की। तो मैं आज बिल्कुल शॉपिंग नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर केक्स खाऊंगी, लेकिन आप शॉपिंग कीजिए। और अगर आप डेनिम्स के शौकीन है तो आगे डेनिम से किस तरह के ट्रेंड्स होने वाले हैं, आइए देखते हैं। डेनिम हम सब के लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट से ज्यादा एक कंफर्टेबल वेयर बन गया है। बदलते ट्रेंड और फैशन के चलते टिपिकली ब्लू डेनिम अब अलग अलग रंगों के साथ तरह तरह के स्टाइल्स में भी मिलने लगी है। आपकी नजर से देखें तो डेनिम्स में बदलाव इंटरनेशनल ब्रांड्स लाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हाथ होता है मैन्युफैक्चरर्स का। जी हाँ, भारत के कई डेनिम बनाने वाली कंपनियों में से एक नाम है LNJ डेनिम्स। कई सालों से इस बिजनेस में रह चुका ये ब्रांड लाया है एक खास तरह का डेनिम फैब्रिक। हमने बहुत नए किस्म के फैब्रिक लॉन्च किए हैं। एक तो एक मिलांज फैब्रिक लॉन्च किया है, जिसमें हमने बुके लिया है बहुत डिफरेंट फाइबर्स का कलर्स पे, उसमें ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, ब्लू के साथ येलो है। तो ऐसे बुके कलर्स लेके और उसको यार्न को स्पिन करके फिर हम उसके ऊपर डेनिम बनाई है। तो जब उसको वॉश करते हैं तो उसके अंदर मल्टी कलर इफेक्ट आ रहा है। कॉलेज और वर्किंग क्लास में जो लोग दिनों दिन अपनी डेनिम बिना धोए पहनना पसंद करते हैं, उनके लिए है खास ऑयल, वाटर, ओडर और फायर रिपेलेंट फैब्रिक। यानी इन डेनिम पर चाहे पानी गिरे, तेल गिरे या आग लग जाए, इस फैब्रिक पर असर नहीं पड़ेगा और बदबू नहीं आने से आप शायद इस फैब्रिक की डेनिम को धोने में और आलसी हो जाएं। LNJ डेनिम को अब तक CNA, बेनेटन जैसे ब्रांड्स की तरफ से इस फैब्रिक का ऑर्डर मिला है। इसी तरह की लगातार इनोवेशन के चलते इंटरनेशनल ब्रांड पिछले कुछ सालों में भारतीय डेनिम मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दे रहे हैं। हिंदुस्तान में लेबर चीप हो गई, क्वालिटी ट्रांसफर हो गई, नो हाउ ट्रांसफर हो गई, और अब हम इक्वली कॉम्पिटेंट है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आज अगर वो इक्वली बढ़िया प्रोडक्ट उनको हिंदुस्तान से मिलता है जो सस्ता है, इसलिए लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है गारमेंटिंग, जिसको हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं। तो फैब्रिक अपने आप में बहुत वेट होता है और यूरोप में आज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, इंडिया, यहाँ पर गारमेंटिंग भी करते हैं। तो फैब्रिक यहाँ से लिया, यहीं से गारमेंटिंग की, तो उसके दो एडवांटेज है, एक तो लीड टाइम कम हो जाता है, दूसरा कॉस्ट कम हो जाता है। भारत की डेनिम इंडस्ट्री अब विश्व नक्शे पर भी आ गई है। ब्रांड्स अब डेनिम बनाने के ऑर्डर साउथ ईस्ट एशिया और एशिया को दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में डेनिम का कुल उत्पाद 700 मिलियन मीटर होता है। इसमें से 250 मिलियन मीटर एक्सपोर्ट होता है और 450 मिलियन मीटर देश में ही खप जाता है। डेनिम इंडस्ट्री पिछले 4 से 5 सालों में 12% की दर से बढ़ी है, और अगर ग्रोथ ऐसे ही रही तो आने वाले 5 सालों में इंडस्ट्री 1100 मिलियन मीटर डेनिम का उत्पाद कर सकेगी। आज डीजल जो कॉस्टलीस्ट वर्ल्ड में ब्रांड है, बॉम्बे में भी 25,000 रुपए की जीन्स बेचते हैं, हम डीजल को दे रहे हैं। मालबोरो क्लासिक है, उसको दे रहे हैं। वैसे यहाँ लोकल आपने जैसे कहा कि लीवॉइस है, गैप है, इनको इंडिया में भी दे रहे हैं और बाहर भी इनके ब्रांड्स हैं, जैसे बनाना रिपब्लिक है उसको दे रहे हैं, और लीवॉइस में यूरोप में दे रहे हैं, लीवॉइस US में दे रहे हैं। उसके बाद जे क्रू है, एन टेलर है, टॉमी हिल फिगर है, पोलो है, पोलो रेफ्लोरेन है, तो जैक एंड जोन्स है, उसके भी काफ़ी ब्रांडेड स्टोर्स इंडिया में भी आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ लगभग ज़ारा है, तो लगभग ऐसा कोई शायद ही ब्रांड होगा जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड सप्लाई नहीं कर रहे। जी हाँ, ये सभी ब्रांड कपड़ा तो भारत से ही खरीदते हैं और फिर उस पर स्टाइलिंग कर हमें ही दुगने दाम पर बेचते हैं। कविता थपलियाल, मुंबई। तो डेनिम्स में आगे चल के किस तरह का ट्रेंड आने वाला है ये तो आपको पता चल गया। और अगर मैं बात करूँ इन डिलीशियस कपकेक की, तो यहाँ पर 5 तरह के ब्रांड्स जिन्होंने अपने कपकेक्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। और अगर मैं नीरू मेहरा के केक्स की बात करूँ तो इनका जो ओरियो केक है वो बहुत बड़ा हिट है, और मैं भी इसको अभी ट्राई करने वाली हूँ। लेकिन आप लीजिए एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको कराएंगे सॉलिटेयर शॉपिंग। बने रहिए CNBC के साथ। कैन आई हैव अ केक?